सो दिस इज अ पार्ट टू ऑफ अ पॉडकास्ट। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा पार्ट वन। एंड जिन लोगों ने पार्ट वन देखा है एंजॉय द पार्ट टू। बट बिफोर दैट अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। 10,000 सब्सक्राइब चाहिए बस, 400 सब्सक्राइब बचे 10K करने के लिए, तो कर दो यार। चलो एंजॉय द पॉडकास्ट। चलो अभी 12th का भी हो गया, कोविड हो गया, ऑनलाइन का डिस्कस कर लिया, जेई मतलब लास्ट मंथ का टिप्स के बारे में बता थोड़ा। देखो रिवीजन तो मेरा हो गया था, वहाँ तक तो सब सही चला था। एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे भी दिया, लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट आता गया तो उन्होंने पोस्टपोन ही करने चालू कर दिया था, तो उससे अनसर्टेनिटी आ गई कि अगला कब होने वाला है। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने एक महीना कुछ नहीं पढ़ा था, केवल ऑनलाइन मस्त वेब सीरीज देखना चालू कर दिया था। यही तो है भाई ऑनलाइन का। देख ऑनलाइन का ड्रॉबैक निकला है नहीं, तुम्हें इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा भाई। नहीं डिसिप्लिन तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया कि बार बार रिवीजन करने का मन भी नहीं करता था। तुमने सेम थ्योरी पढ़ ली, फिर दोबारा तुम पढ़े, फिर दोबारा पढ़े, फिर अगली बार फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता था, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता था। और फिर ये भी नहीं पता था कि कब होने वाला एग्ज़ाम, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मन भी नहीं कर रहा था कि क्या ही करना है। और लगातार कोरोना की न्यूज़ आए, तो उधर लोग मर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो बहुत डर भी लगता था यार। हाँ बट स्टिल तुमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी रिवीजन करने के लिए? कहाँ कहाँ से रिवीजन की थी, क्या क्या किया था? मैंने तो देखो जितना कोर्स मतलब कोचिंग से मेरा मटेरियल था मेरा, उसको मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था स्टार्टिंग के टाइम पे, रिसेंट टाइम। तो जस्ट फरवरी के बाद मैंने क्या किया था, एक एलन का टेस्ट माई प्रिपेयर करके ऐप था, टेस्ट माई प्रिपरेशन करके, तो मैंने उससे सैम्पल पेपर लगाना चालू कर दिया था। उस पर जेई के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स थे, वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग रहता था कि 3 आवर्स में, जैसे रियल टाइम वाला रहता है वैसे था। तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया था, और बाकी मैं जब पेपर सॉल्व करता जो जो क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैं उसके टॉपिक्स देखता कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन था, तो उसको फिर टॉपिक को दोबारा करता। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा, मैंने पेपर किया, जो भी कमियां थी उसको ख़त्म किया, बस यही करता था मेरा, सिंपल था। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर तो की होगी सबने। हाँ प्रीवियस ईयर किए थे, लेकिन मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ी। वो केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट जो था, फाइबर्स वाला, ये सब वाले पार्ट मैंने पढ़े थे। क्योंकि वो तो मैंने कल कल विशाल से भी पॉडकास्ट में बात की तो उसने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी। मतलब तुम लोगों ने सिर्फ कोचिंग का मटेरियल पढ़ा था ना ढंग से? हाँ मैंने कोचिंग का पढ़ा था, और 11th में मेरा एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया था RBD अच्छे से, तो मैंने उसके लिए एक DC और पांडे क्या। बुक थी उसको रिफ़र किया था। बाकी एक YouTube चैनल है घनश्याम तिवानी का, वो जो सिंगेज के ऑथर नहीं है, हाँ वो ऐसा कांच पे लिखते वो वाले ना। हाँ मैंने भी देखे ना उनके वीडियो। उससे मैंने बात मैथ के जो छोटे अच्छे से कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने किया। कुछ टॉपिक नहीं क्लियर हो पाए थे मेरे, तो मैंने उनके चैनल को रिफ़र किया। बाकी फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का कुछ वीडियो मैंने देखा था। बाकी कुछ और यूट्यूबर्स को किया था फॉलो? नहीं, मैंने बस इतने किए थे। तो सबका टारगेट होता है डाइक IIT बॉम्बे CSE, तो वो लोग ऐसा बुक्स वगैरह ले लेते हैं, हीरोडो वगैरह, एंड सॉल्व तो होते नहीं। फिर और डिप्रेशन में आते हैं यार, इतने बुक्स पढ़े कुछ सॉल्व नहीं किया। तो तेरा क्या व्यू है उस पर? टारगेट हाई रखना तो अच्छी बात है, IIT बॉम्बे सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन टारगेट हाई है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, जितना ज़रूरत उतना ही पढ़ना चाहिए। तो तुम्हें एनालाइज करना चाहिए। इरोडो तो मतलब काफ़ी हाई लेवल का है, लेकिन वो JEE पूछता नहीं है। अगर पूछ भी लेगा तो उसके क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, मैक्सिमम 5 मार्क्स के, अगर उस लेवल का आ भी गया। 4 ही मार्क्स के भाई, 4 मार्क्स से ज्यादा तो कुछ नहीं। तो तुम्हें स्ट्रेटेजी खुद देखनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये मटेरियल तुम लगा रहे हो इनफ है, या फिर इनफ से ज़्यादा ही हो गया ये। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो कोचिंग मटेरियल डिज़ाइन करता है, मेरे केस में मैंने रेजोनेंस से देखा था और नेक्स्ट ईयर रिलायबल से किया था, उसकी स्टोरी तो अलग ही है, मैं बताऊंगा कभी बाद में, या फिर इसी पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे उसको। तो उन दोनों का मटेरियल लगभग ओके सेम रहता था, वो तो 3 एक्सरसाइज में डिवाइड कर देते थे, 1, 2 एंड 3। थर्ड वाले में पूरा प्रीवियस ईयर रहता था, फर्स्ट वाला बहुत बेसिक रहता था, और सेकेंड वाला उन्होंने क्या करते थे, सारी बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इकट्ठा करके सेकेंड एक्सरसाइज में डाल देते थे। तुम मेरे लिए वो इनफ था कि उस सारी बुक का उन्होंने निचोड़ निकाल लिया और एक्सरसाइज सेकंड में डाल दिया। तो मैं उसको प्रॉब्लम को करता था, एनालाइज करता था, और देखता था किस टॉपिक्स का क्वेश्चन है, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता था। तो मेरी प्रिपरेशन इसी से काफ़ी अच्छी हो गई। तो मैं वही कहूँगा कि जो कोचिंग मटेरियल, अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो कोचिंग मटेरियल बेस्ट होगा, नहीं कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए DC पांडे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैथ्स सब लोग जानते हैं सिंगेज से करना है,
केमिस्ट्री का तुम स्कूल। बताओ। हाँ देखो यार केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह तो इससे कर लो, मॉड्यूल से हो जाएगी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक भी हो जाएगी, इसने तो उससे की थी। बट अगर आप कुछ एक्सटर्नल बुक्स फॉलो करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने अगर आपके कोचिंग मटेरियल ढंग से नहीं किया है आपने, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई इनऑर्गेनिक लेने स्टार्ट कर लो, क्योंकि भाई सब लोग नहीं करते एकदम ढंग से। एकदम तुमने जैसा कोचिंग मटेरियल पूरा पढ़ लिया था, तो अगर नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो, नहीं तो कोचिंग मटेरियल इनफ है। एंड ये कोचिंग मटेरियल का थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये मतलब ये तुमने चलो रिजोनेंस का तो ठीक है, तू बोल रहा है एकदम सही था, तुमने तो पूरा ट्रस्ट किया था उस पर। तो बाकी कोचिंग्स का कुछ पता है तेरे को एंड कोचिंग मटेरियल्स के बारे में? तो एलन का भी काफ़ी अच्छा था और फिटीजी का तो काफ़ी हाई लेवल का था। मतलब सारे मटेरियल्स कोचिंग वाले काफ़ी रिसर्च करके बनाते हैं, तो उनके मटेरियल में से डाउट तो नहीं कर सकते, तुम्हें अपना भरोसा दिखाना ही पड़ेगा। ट्रस्ट करोगे तो ही कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी लेवल अलग रहता है, जैसे कि जो फिटीजी वालों का रहता था उनको ओलम्पियाड लेवल का रहता था, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती थी। एंड सब कोचिंग से एक दूसरे का चुराते ही है भाई, कुछ कुछ बोलते हो इसके मॉड्यूल से उठा लिया ये। अगर प्रीवियस ईयर देगी तो कॉमन ही होगा सब में, और किसी बुक से उठाएगी तो वो भी कॉमन होगा। अब खुद से क्वेश्चन जल्दी जनरेट कोई करता नहीं है, लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, बस वो डिपेंड करता है कौन से अच्छे लेवल क्वेश्चन ले आ रहे हैं कि नहीं। तो जस्ट ट्रस्ट करो यार, तुम जिस कोचिंग पे हो जस्ट ऐसा डाउट मत किया करो कोचिंग मटेरियल पे। वो डाउट एक बार दिमाग में आ गया ना, फिर तुम लोग ऐसा मतलब पढ़ने का मन भी नहीं करेगा आप लोगों का कि यार ये सही है भी कि नहीं। तो जस्ट अगर ले लिया है तो ले लिया भाई, अब मतलब यही करना है। अब जस्ट डाउट मत लाया करो, जस्ट ट्रस्ट किया करो चीज़ों पे। एंड एक चीज़ ढंग की पकड़ो, उस पर ट्रस्ट करो एंड उस पर फॉलो करो, ऐसा ज़्यादा डाउट मत लाओ दिमाग में। एंड ये रिलायबल का क्या बोल रहा था तू, तुमने 12th में चेंज कर दी थी क्या, क्या सीन था वो? नहीं, देखो तुम कोटा की स्टोरी तो जानते हो कि फैकल्टी मेंबर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो रेजोनेंस में क्या हुआ था, उसमें जो टॉप फैकल्टीज थे उन्होंने रेजोनेंस अलग होकर एक नई कोचिंग बनाई थी रिलायबल। तो राइट, सारे जब टॉप फैकल्टी निकल गए तो कोचिंग का मतलब ही क्या रह गया जब पढ़ाने वाले नहीं बचे अच्छे। तो मैं भी शिफ्ट हो गया था रिलायबल की तरफ से। तो ऐसे कंडीशन में तू क्या टिप देगा जब ऐसा कुछ हो गया? अभी तो ऑनलाइन में भी बहुत चल रहा है ऐसा, टीचर्स खरीदते बेचते, तो तू कैसे इस करे, टीचर के साथ रहना चाहिए या इंस्टीट्यूट के साथ रहना चाहिए? देखो अगर इंस्टीट्यूट के पास टीचर्स अच्छे बच्चे हैं तो रहना चाहिए, लेकिन अगर सारे टीचर निकल जाए, जैसे रेजोनेंस के केस में सारे टॉप टीचर्स निकल गए थे, कम से कम 50-50 के आसपास निकल ही गए थे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ रुकने का। काफ़ी बच्चे रुके थे रेजोनेंस में भी, लेकिन काफ़ी निकल भी गए थे उससे। तो ठीक तुम्हारी चॉइस होती है तुम किसके साथ किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तो मेरा ट्रस्ट टीचरों पर ज़्यादा था। तो ये भी होता, ये तो बहुत होता है भाई जी में, तो बहुत वोलेटाइल इंडस्ट्री। ओके ठीक है चलो, ये रिलायबल भी ठीक ही है, मतलब इंस्टीट्यूट अभी तो अभी सही से चल रहा है वो, या रेजोनेंस ही ज्वाइन करना चाहिए अभी अगर कोई बंदे के पास चॉइस है तो? नहीं, सही चल रहा है, रिलायबल अब ट्रैक पे आ गया है, क्योंकि असल में ना उसको बैक कर रहा है एलन। अच्छा, ओ राइट और वो राइट राइट चलता राइट है बंसल की बिल्डिंग में, जो बंसल क्लासेस नहीं थी उसकी पुरानी बिल्डिंग है। राइट राइट हाँ, तो उस पे उन्होंने उसको ले लिया है, तो वहाँ पे उन्होंने कोचिंग चलाना चालू कर दिया। तो मैं तीनों, ठीक मतलब मैं चारों कोचिंग में पढ़ा हूँ, बिजनेस में भी पढ़ा हूँ, रिलायबल में भी पढ़ा हूँ, एलन उसको बैक करता है उसमें भी पढ़ाऊँ, बंसल की बिल्डिंग में पढ़ाऊँ। है कोटा की सारी कोचिंग को चलो देख के आया हूँ। चलो अभी तेरे जिम में सबने अपने टाइम पे तो 4 अटेम्प्ट थे, तो उनकी क्या स्टोरी है? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो तू डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट क्या स्टोरीज है उनकी एंड कितना कितना आया था तेरा परसेंटेज? मुझको याद नहीं किया लेकिन अच्छा आया था। वाह मैं स्टार्टिंग में नाइनटी अच्छा। नाइन 99.2 आया था फरवरी अटेम्प्ट में, उसके बाद मैंने दोनों अटेम्प्ट छोड़ दिए बीच के, मैं कहा लास्ट वाला दूंगा, ठीक है हो तो गया था कि प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, एडवांस डायरेक्ट देना है, तो मैंने स्टार्ट एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। अच्छा तेरा बेस्ट परसेंटेज कितना था फिर ये मीन से, लास्ट वाला था या फर्स्ट वाला ही था, ये भूल गया? लास्ट वाला बेस्ट था मेरा, इस पार्ट को मत लाना, अच्छा 99.38 था शायद मेरा। अच्छा ठीक है। फिर वो प्रिपरेशन कैसी थी जब जेई मेंस का तो हो गया एंड जेई मेंस टू जेई एडवांस वाली?
मेरे साथ नॉर्मली होता था, मैं जब भी कोचिंग में भी मॉक देता था तो मेरा मेंस के पेपर में कम मार्क्स आते थे और एडवांस में ज़्यादा आते थे। मेंस में रैंक गिरती थी, अच्छा एडवांस में उठती थी। तो सेम केस जेई, जो मैंने जेई में दिया वो भी सेम केस ही हुआ। मेरी मेंस की रैंक काफ़ी कम आई थी, अराउंड 7,000 के आसपास आई थी, लेकिन जेई में बूम कर गई, 3,000 आ गई सीधे। हाँ, क्योंकि यार मोस्टली जो ये प्रिपरेशन कराती है ना कोचिंग्स, लाइक रेजोनेंस एलन, वो एडवांस ओरिएंटेड ही कराती है। वहाँ पे टीचर से बोलते हैं मेंस तो हो ही जाएगा, वो टाइप का सीन है, राइट? मेंस को इतना सीरियस नहीं लेते, और सीरियसली एडवांस बोलते। थोड़ा एनालिसिस पे बेस्ड रहता है ना, तुम्हारे एनालिटिकल स्किल को देखता है, और मेंस में थोड़े याद करने वाले क्वेश्चन आते, तो मुझे याद करने ज़्यादा मन तो करता नहीं था कभी कोई चीज़। एंड तो चलो, एडवांस के दिन की क्या स्टोरी थी यार, वो भी भूल गया। वो तो याद होगा भाई 2 साल प्रिपरेशन की थी एक एग्जाम के लिए। वो उस दिन की क्या स्टोरी थी? मेरा जो टेस्ट सेंटर था वो अयोध्या में आया था। अच्छा, यूपी। हाँ, यहाँ से लगभग अराउंड 2 घंटे की दूरी पे था, तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ा। मैं सात अरे बजे भाई तक साहब, तुम सोच ही सकते अरे हो, जेई का दिन आने वाला है, अगले दिन तुम्हारा जेई है, तो मेरी रात में नींद तो आएगी नहीं वैसे भी। नहीं राइट, मैंने क्योंकि मैं कल यही पॉइंट डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों के पॉडकास्ट नहीं ला, सब लोगों ने ये पॉइंट बताया किसी को नींद नहीं आई थी उस रात, क्योंकि भाई कितना स्ट्रेस होगा समझ रहा है कितना भाई। यार तुम लोग कितना 2 साल का लोड लेके बैठे हो, अभी जस्ट लिख क्या है खत्म, फिर उस दिन पे ऊपर तो नींद तो भाई नेक्स्ट लेवल। मैं तो सच में यही सजेस्ट करूंगा, 9-10 बजे सीधा बेड पे लेट जाओ, नींद नहीं आने वाली तुम्हें, 9-10 बजे लेट जाना सीधा वहां पे बेड पे। नहीं आने वाली भाई, उसके एक दिन मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी कि पता हाँ था जो इस साल भर में अब जितना पढ़ लिए, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो एक दिन से भी कुछ नहीं होगा। तो राइट, मस्त चिल हो जाओ, और नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो बेड पे लेटे रहो। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? 5 बजे तो निकल ली हो अयोध्या हाँ, तो मैं फिर। 7 बजे तक वहां पहुंच गया, तो सब वहां पहुंच गए थे, एक माहौल बन गया, एकदम शांति का माहौल था सबके मुंह पे। कि अनसर्टेनिटी थी, क्या होने वाला है, कैसा पेपर आएगा। तो मेरा टेस्ट सेंटर जो था वो ठीक था, उतना अच्छा फैसिलिटी वहाँ थी नहीं यार, चेयर और वहाँ कितनी बेस्ट नहीं थी। मैं जबकि मेंस का पेपर मैंने दिया तो वहाँ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी। तो एक तो बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं था वहाँ पे, और एडवांस का पेपर था। तो ऐसे ही पसीने छूट रहे थे। तो और थोड़ा उन्होंने फॉर्मेट भी चेंज कर दिया स्टार्टिंग में, तो मेरा सारी स्टडी वहीं ख़त्म हो गई। तो मुझे पहले थोड़ा एनालिसिस करने में टाइम लग गया, मेरा पेपर 1 ख़राब गया था, लेकिन फिर बाद में मैं आया, थोड़ा एनालिसिस किया कि मुझे पेपर इस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे पेपर 2 काफ़ी अच्छा गया था, मेरे पेपर 1 से ज़्यादा पेपर 2 में मार्क्स आए थे, और बाद में पता तो लगा कि पेपर 2 ज़्यादा कठिन आया था। हार तो पेपर टू राइट, तो जस्ट मतलब एडवांस का तो बोल भी नहीं सकते यार, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है उनका कहीं भी, तो एकदम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करके तो नहीं जा सकते एडवांस के लिए। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 10-15 मिनट थोड़ा एनालाइज करो क्या है पेपर में, कैसा अटेम्प्ट करना है, एंड देन एडवांस का पेपर अप्रोच करो। अरे मतलब मेरे कोचिंग, मतलब मेरा जो सेंटर था ना उसका भी ऐसा ही सीन था। अरे वो लाइक लास्ट पेपर 2 के बाद मेरा पैर है ना, एक साइड का पैर, वो चेयर से इतनी घटिया चेयर से मेरा एक पैर पूरा जाम था भाई, मतलब यार पेपर 2 होने के बाद चल भी ले पा रहा था ढंग से, इतना गंदा, मतलब पैर पूरा जाम हो गया था मेरा वन साइड। तो मेरा ये स्टार्टिंग में मैंने पेपर 1 तो देना चालू किया, तो एक तो फॉर्मेट हाँ नया आ गया, पैसेज वाला था, हाँ उसके मार्क्स भी एक एक करके दो दो करके मार्क्स मिल रहे थे, भाई कितना बेकार फॉर्मेट था अपनी बार का। तो उसमें हाँ तो भाई लग गई यार पूरा पेपर फर्स्ट में। फिर मैं पेपर फर्स्ट दे के अच्छा निकला, अयोध्या में गया था, मंदिर काफी थे, मंदिर में आराम से बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स होकर सोचा किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर। तो उसके बाद फिर पेपर 2nd में मेरा काफी सही गया। एंड जब एकदम फाइनली जब रिजल्ट आ गया 15 तारीख को, तो रिजल्ट था, वो कैसी रिएक्शन थी? एकदम लाज भाई खत्म भाई, इसके बाद साला जी भाड़ में जाए। उस दिन तो लगा यार अब एकदम सब सेटल है, पूरी लाइफ अब खत्म, बस हो गया। हो घर में भी खुशी का माहौल था, फोन पे फोन लोग कर रहे थे, फोन आ रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन का। और भाई 2 साल बाद गुड न्यूज तुमको मिली, तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो दिन तुम्हारे पास आया, तुम सोच सकते हो कैसी खुशी होगी। जस्ट 2 साल प्रिपरेशन करो यार, वर्थ इट रहेगा, लास्ट मोमेंट रिजल्ट वाला मोमेंट वर्थ इट रहेगा। तो चलो विद दैट एंड कर देते हैं अभी, एनी लास्ट टिप्स भाई या लर्निंग्स भाई, तूने क्या सीखा जी इसमें?
सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जेई सबसे लास्ट स्टेज नहीं होता है, वो आईआईटी में आने के बाद समझाए। हाँ वो भी हाँ है, वो वो भी है। हाँ बट भाई ऐसा ये मत सोचना कभी, जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे यही सोच लेके भाई इसके बाद लाइफ सेटल है, उसके बाद पता चलेगा आपको कैसी लेवल, वो मोटिवेशन कम हो जाएगा आपका। ये सोच लो भाई जेई होने के बाद। हाँ, आईआईटी वाले के बाद सोच ले चीज सब चीजें, अभी अभी ये सोच कर लो कि जेई के बाद लाइफ सेट है, तब थोड़ा मोटिवेशन रहेगा तो चीजें इजी रहेगा आपके लिए। तो चलो विद दैट हम एंड कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो पता नहीं वहाँ पे क्या होता है वो कर देना, जो भी होता होगा वहाँ पे। तो चलो विद दैट एंड कर देते हैं, चलो बाय बाय।